नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बुबर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे अतुल ऑटो के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने आज के दिन एक बाउंड भी खाई लगाया, और लगभग कंपनी की बात करें तो इंट्राडे हाई कंपनी लगभग 8-9% के आसपास कंपनी इंट्राडे हाई लगाया था। उसके बाद कुछ जो है कि गिरावट दर्ज होती है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में, तो 5% के आसपास फिर भी जो है कि तेजी बची हुई है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में बाइंग करने के बारे में विचार करें। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस स्टॉक की बात करें तो एक साल में ही कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया, लगभग 110-105% का रिटर्न बना के कंपनी ने दे दिया है। अभी इस स्टॉक में बताना चाहते दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि बाइंग करने के बारे में विचार करें। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों लॉन्ग टाइम से इस स्टॉक में फंसे भी हों, जिससे रिलेटेड हम चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है डिस्कस कर। हम आ गए अतुल ऑटो के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी करती क्या, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। कुछ थोड़ा सा क्या है, कंपनी का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कंपनी की बात करें तो ₹386 कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। आज के दिन कंपनी दोस्तों आपसे बता देते एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग इंट्राडे हाई की बात करें तो 8-9% कंपनी ने लगाया था। उसके बाद कुछ जो है कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इस कंपनी की हाई की बात करें तो आज के दिन कंपनी ने ₹397 का हाई लगाया, 366 का कंपनी का लो है। यहां पर भी देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने आज ही के दिन 52 वीक हाई लगाया, 146 का कंपनी का लो है। इस स्टॉक के बारे में दोस्तों मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, तो अभी तक देखा जाए अगर इसके आप 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी 6.5% का रिटर्न बना के दिया है। 1 महीने के भी चार्ट को देखें दोस्तों 14%, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी लगभग 119% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि एक साल में पैसे को डबल कर दिया, और 6 महीने में दोस्तों 125% मतलब 125% का रिटर्न बना के दिया। वाई टू डेट की बात करते हैं लगभग 32%, एक साल में देखेंगे दोस्तों तो 112-10%, जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि पैसे को डबल कर दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, 5 साल में ये कंपनी आज भी जो है कि निगेटिव है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों ऑलरेडी जैसा कि हमने बोला फंसे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, 318% का कंपनी रिटर्न बना के दिए। ये भी कंपनी थोड़ा पुराने समय से मार्केट में काम। दोस्तों निवेश किसने किया है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में विजय केडिया के पास ये स्टॉक है, जो कि 32% का 6 दिन पहले ही कंपनी रिटर्न बना के दिया था गुड न्यूज की वजह से। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, एम के ग्लोबल जिसने इसका टारगेट दोस्तों 1 वीक पहले दिया था ₹385 का, जो कि देखा जाए तो कंपनी ने आज के दिन जो है कि अचीव भी किया। ₹397 का कंपनी ने हाई लगाया। कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है इनके, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की बात करें लगभग 44%, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एक्सपेंसेस जो है कंपनी का 11% जंप है, नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग डबल हो गया, मतलब 100% का जंप है। दोस्तों मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी 100% है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जो है कि कुछ भी रेड जोन में नहीं मिलेगा, सभी जो है कि हरे निशान में मिलेगा। ये कंपनी करती क्या क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर नए होंगे, उनको नहीं मालूम ये कंपनी करती क्या है दोस्तों। ये कंपनी ऑटो तो आपने देखा दोस्तों, लेकिन ये किस टाइप की ऑटो बनाती है दोस्तों, ये 3-व्हीलर ऑटो बनाती है। इस कंपनी का जो मेन फोकस बिजनेस है दोस्तों, इस कंपनी जो है कि 1970 से मार्केट में काम कर रही है। और कंपनी की बात करें तो ये राजकोट से बिलोंग करते समय इसका एक्सपेंसिव रॉकेट है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक 52 वीक हाई लगा रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने आज के दिन एक नया 52 वीक हाई लगाया है, जो कि बताया जाए दोस्तों आज के दिन 5% के ऊपर अपने को स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और कंपनी में एक आज के दिन अच्छा खासा हाई वॉल्यूम भी बना, NSE+BSE पर टोटल 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। पहले की बात करते हो दोस्तों, देखिए ये सारे स्टॉक जो है कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक है दोस्तों, तो ऐसे में देखिए ट्रेडिंग वाले स्टॉक तो है दोस्तों, लेकिन देखेंगे इसके पहले इस स्टॉक में वैल्यूम इतना अच्छा खासा नहीं बनता दोस्तों। फिर भी बता दें दोस्तों, 14 फरवरी की बात करें, 14 फरवरी की इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना था, और स्टॉक में लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। मतलब दोस्तों देखिए, और दरअसल क्या है कि डिलीवरी परसेंटेज माल इतना कुछ खास जो है कि नहीं उठाया जाता, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो है कि लगभग 3 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहते हैं कि लगभग 8% की तेजी देखने को मिली। यह मतलब दोस्तों इस स्टॉक का मतलब कंक्लूजन क्या है आपसे बताना चाहते, जिस समय इस स्टॉक में तेजी आती है तो अच्छा खासा दोस्तों इस स्टॉक में जिस समय वैल्यूम बनता है तो एक अच्छा खासा तेजी के लिए ही वैल्यूम बनता है। गिरावट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 8%, मतलब इसी टाइप का इस स्टॉक में कई बार जो है कि हरा निशान आपको ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे 5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लगभग 4-5 लाख टोटल शेयर दोस्तों ट्रेड होते हैं, जो कि देखा है तो सेलिंग कुछ ज़्यादा होती है। फिर भी देखा 3% तेजी, 8% तेजी, यहाँ पे दोस्तों 3%, 4%, मतलब दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देख रहे, कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि 5% की तेजी देखने को मिली। कंपनी में आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने हाई लगाया है, 17 फरवरी 2023 में ही कंपनी ने हाई लगाया, 22 फरवरी 2022 को कंपनी 146 का लो लगाती।
कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, सारा न्यूज़ जो है कि पुराना ही है। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 4 फरवरी को रिजल्ट भी पेश किया था, और कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है कि जनरल मीटिंग से अपडेट जो है कंपनी ने सितंबर महीने 2000, ये सब सारा जो है कि पुराना ही है दोस्तों। देखा जाए तो ये कंपनी कुछ खास इतना डिविडेंड भी नहीं, 1.5 रुपये के आसपास डिविडेंड पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 52% के ऊपर स्टेक है, जो कि देखा जाए तो प्लेस जीरो। तो अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट की भी बात हम कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि वैल्यूम अच्छा खासा बनता है दोस्तों। मतलब ये स्टॉक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वैल्यूम जितना भी बना दोस्तों, मतलब 17 लाख टोटल शेयर 16 लाख के आसपास ट्रेड हुए, जिसमें 3.5 लाख माल डिलीवरी में उठाया, जो कि 21% 21% के आसपास कह सकते हैं। बात करें तो इस कंपनी में जो है कि रिस्क और रिवार्ड दोनों सेम ही आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी है। ऐसे में बहुत छोटी कंपनियों में दोस्तों जिस प्रकार से आपको रिस्क देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से कभी आपको रिवार्ड देखने को भी मिल सकता है। तो इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है तो आपसे बता देते हैं, ऑटोस जो अतुल ऑटो है दोस्तों, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑटो रिक्शा कंपनी, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में कंपनी का काम है दोस्तों, जो कि ऑटो रिक्शा से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, देखिए कंपनी के पास 8 ब्रांड है, फर्स्ट शक्ति, कार्गो, डीजल, इलाइट, मतलब दोस्तों तमाम जो है अतुल से रिलेटेड जो है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी दोस्तों क्या है कि ऑटो रिक्शा जो आपको रोड पे देखते हुए देखने को मिलते हैं दोस्तों, अतुल की कंपनी आपको देखने को मिलती है दोस्तों, ये यही कंपनी बनाती है सबसे पहला। दूसरा अगर हम रिस्की पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके मार्केट कैप मात्र 800,000 करोड़ की भी कंपनी दोस्तों, मतलब ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। तो ऐसे में थोड़ा सा क्या है कि आपको जो देखिए दोस्तों, हमने किसको बताया, विजय केड़िया सर के पास ये स्टॉक है दोस्तों। तो ऐसे में उनके पास रिस्क लेने की उनकी क्षमता अलग है, अपनी क्षमता अलग है। हम अगर करंट प्राइस की बात करें 386 चल रहा है, पी है नहीं दोस्तों, मतलब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग आप इसको बोल सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू की बात करें 129 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पिक करती, आरओसी आरओई कंपनी का माइनस में, 5 का फेस वैल्यू है। ऐसे में अगर दोस्तों कुछ सेक्टर का कोई लीडर है तो बजाज ऑटो है, जो कि आप लोगों को पता है, चाहे 2 व्हीलर ले लीजिए चाहे 3 व्हीलर ले लीजिए दोस्तों, बजाज ऑटो देखा जाए तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर अतुल ऑटो की बात करते हैं दोस्तों, तो बजाज ऑटो का कंपटीटर है, और देखा जाए तो मतलब कोई है ही नहीं दोस्तों। बजाज ऑटो को आप एक प्रकार से मोनोपोली भी कह सकते हैं, हीरो होंडा तमाम ऐसे हैं दोस्तों। लेकिन आपसे बता दें जो सेक्टर का लीडर है 3 व्हीलर में दोस्तों, 3 व्हीलर में दोस्तों आपसे बता देते हैं कि अतुल ही इसका कंपटीटर है, और ये रहा एक स्कूटर इंडिया, ये दोनों छोटी छोटी कंपनी, मतलब बजाज ऑटो एक प्रकार से मोनोपोली आप इसको कह सकते हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस कंपनी के सेल्स में जंप है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी जंप है दोस्तों नेट प्रॉफिट कंपनी का। देखा जाए तो इसके पहले कंपनी माइनस में थी, इस बार जो है कंपनी प्रॉफिट में आई हुई है। पीएनएल की बात करते हो तो बहुत छोटी कंपनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा अपने को उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों इनके रिजल्ट ही जो है कि इनके चार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देखा जाए तो प्लस में है टीटीएम में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का माइनस में है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बार इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस में है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा समय से, मतलब क्या है कि देखा जाए तो कंपनी जो है कि टीटीएम में ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं डेटा। कंपनी के शेयर की बात करें तो कंपनी ने लगभग एक साल में पैसे को डबल कर दिया, जैसा कि हमने बताया। 3 साल की बात करें तो 15% का रिटर्न इक्विटी की बात करें तो माइनस में है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये छोटी कंपनी है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर डेट, जितना दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व्स है उतना ही देखा जाए तो कंपनी के पास डेट है, मतलब बहुत रिस्की कंपनी है दोस्तों। ऐसे में अगर कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों, तो आपसे बता देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न ही दिखा जाए तो एकमात्र ऐसा इस कंपनी का पॉजिटिव साइन है दोस्तों, जो कि मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ कि देखा जाए दोस्तों, तो FIs इस स्टॉक में जो है कि धीरे धीरे करके 3 क्वार्टर से आप कह सकते हैं दोस्तों, मतलब 2 क्वार्टर से माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं फर्स्ट। अगर हम सेकेंड बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर की बात करें तो अभी तक चलिए उन्होंने कुछ भी सेल अप्स एंड डाउन्स नहीं किया है। DIs की बात करते हैं दोस्तों, DIs अब देखेंगे इस क्वार्टर में उन्होंने माल को एक्युमुलेट किया है। रही बात पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि 3 क्वार्टर से माल को सेल कर रही है। अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी छोटी है, ऐसा नहीं दोस्तों, क्या है कि मार्केट में कंपटीशन है दोस्तों, जो है कि बजाज सेक्टर का लीडर है दोस्तों, तो ऐसे में वो थोड़ा सा क्या है प्लेयर बड़ा है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा क्या है कि मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा ही दोस्तों जो है। अगर हम ऐसे में अतुल की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी को थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगेगा दोस्तों
तो, क्योंकि अगर इसके आप मार्केट कैप को देखेंगे तो अभी तक पूरी तरह से कंपनी जो है कि 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है और एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ये कंपनी जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला रहेगा दोस्तों, मार्च अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसमें हो सकता है कंपनी अच्छा और रिजल्ट पेश कर सकती है दोस्तों। तो ऐसे में जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे दोस्तों अभी देखिए स्टॉक जो है कि 52 वीक हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती दोस्तों तो ये स्टॉक बहुत हैवी गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक ने लगभग 6 महीने में ही पैसे को 120% का रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब दोस्तों गिरावट होगी तो लगभग ये स्टॉक बताना चाहते हैं कि ऑल टाइम हाई कही है, चाहे जो भी कही, मतलब दोस्तों इस प्राइस से ये स्टॉक हो सकता है कि 250 से 200 के बीच में भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो जल्दी ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस समय थोड़ा पॉजिटिव माहौल है, 450 से 500 के बीच में भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।